समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली और जंतर मंतर पर हुआ कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जिस तरीके से सरकार चली थी उससे जनता आज भी रुष्ट है, फलतः लोग उनके कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी स्वयं वहाँ के इंतजाम से दुखी नज़र आए और उन्होंने मंच पर ही कहा कि लड़कियों से धक्का मुक्की न हो और बूढ़ों का सम्मान हो, ये इससे अखिलेश इस इन बातों का भी ध्यान अखिलेश यादव जी को रखना चाहिए और आत्मपरीक्षण करना चाहिए। अभी भी समाजवादी पार्टी अपने पुराने आचरण को ही दोहरा रही है, जो आचरण उन्होंने सरकार रहते हुए किया था। अखिलेश जी को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सवाल खड़ा किया। मेरा सवाल है उनसे कि आपके रहते एम्बुलेंस 108 आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ पाई थी? NHRM के 11 करोड़ से ज़्यादा रुपए वापस क्यों चले गए थे? आपके समय में दवा खरीद में बिचौलियों की भूमिका क्यों रहती थी? आज उस सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो जिसके प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख का बीमा दिया है, यानी आज गरीब भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, जो कभी उनके लिए सपना हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी को पूरी चीज़ें देखकर समझकर तब बयान देना चाहिए।